जी मैं उसको देख नहीं पाया अभी तक, बट बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर बहुत अलग होने वाला है कुछ बिग बॉस OTT, एंड आई वुड लाइक टू विश कलर्स फैमिली ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई थिंक कुछ अच्छा ही करते हैं वो हमेशा, बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 24/7 लाइव जा रहा है OTT पे। नो नो, आप लोगों के सीजन में भी 24/7 लाइव चलता था, बट दिस इज लाइक अ होल न्यू एपिसोड सीन। हमारे वक्त सलमान सर जब जाते थे, मतलब जब वो शुरू हुआ था तब आना शुरू हुआ था, इस बार सलमान सर के पहले जो शुरू हुआ है आई थिंक वहीं पे शुरू हो गया है। बट अच्छा लग रहा है एंड मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अंदर गए हुए हैं, सो ऑल द बेस्ट। अंदर जाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बंदर के आई क्या होगा, वो भगवान बचाए उन लोगों को। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप जब बाहर आए तब you know they are sane and they come out outside. हाँ जी, हाँ जी, आप भी एक बिग बॉस विनर हैं जी, अब क्या कैसे देखेंगे OTT पे, टीवी पे? मुझे मज़ा टेलीविजन पर आता है, बट ऑफकोर्स OTT पर लाइव आ रहा है, 24/7 होगा, जैसा मेरा सीजन था 24/7 लाइव था। सो OTT पर इस बार सुनने में आ रहा है दैट यू नो इट्स गोना बी डिफरेंट एंड समथिंग मोर क्रेजी, सो आई थिंक आप सभी दर्शकों को मज़ा आने वाला है और वूट पर आप लोग जो हैं लगातार 24 घंटे देखते ही रहेंगे, ये मेरा भी दावा है। ओ यस, करण सर इज होस्टिंग, आई मीन आई लव हिज विट एंड आई लव हिज ह्यूमर। हाँ यार, ये बोलूँगा कि OTT पे आ रहा है तो और धमाल होगा और ओवर द टॉप होगा, और अभी देखते हैं कौन कौन घर के अंदर है। 1 मिनट, 8 बज के 19 मिनट हो रहे हैं भाई, अभी तो रिवील हो गया होगा कौन कौन है। हाँ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, ही इज अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज वेरी विटी, सो मज़ा आएगा उनको देख के, यू नो कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए देख के। बिग बॉस ये क्या होता है? सलमान खान तो यही नहीं, अभी तो करण जौहर तक है, दोनों है, सलमान सर भी है और करण जौहर भी है। देखो अब करण सर, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, सो करण सर हैज डन अमेजिंग जॉब और वो बहुत ही विटी हैं, तो मुझे लगता है जितने भी कंटेस्टेंट इस बार आ रहे हैं सबकी वाट लगने वाली है, और मतलब वाट बहुत ही क्रेजी वे में, सो आई एम हैप्पी। और फिर डबल वाट लगाने के लिए तो हमारे खान साहब आए रहे हैं, सो सबकी आज लगेगी। तो दोनों अलग अलग हिस्सों पे लगाएंगे ना सबकी वाट, अच्छी बात है। कितना साल चलेगा भाई? छह महीने चलता है ना मैम, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी खत्म हुआ था अभी आ गया। नहीं, 90 डेज चला, फिर 120 डेज ऐसे लगता है, बिकॉज ऑफ क्यू, क्योंकि मैं देखता नहीं ना, हमें टाइम नहीं। बहुत बढ़िया करता हूँ मैं, बिग बॉस देखने वाले हो ना जाने वाले क्या ऑफर से ऑफर आए भाई? अपने को तो सलमान खान ही चाहिए ओनली भाई। भाई करण जौहर बिग बॉस होस्ट करने वाले, आई एम वेरी हैप्पी। करण जौहर का तो मुझे देखना है कि करण जौहर क्या करेगा और कंटेस्टेंट से कैसे बात करेगा, क्योंकि क्या होता है ना, सलमान खान का ऐसा टेरर है ना सलमान साहब का, कि मतलब जब हम सलमान साहब के सामने बैठते थे तो हमें लगता था ओ गॉड आगे क्या होने वाला है, एंड जब वो मुझसे बोलते थे मोहतरमा आप तो चुप ही रही, आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं बोलती थी हो गया। अभी करण कैसे एडजस्ट करेगा वो देखना है। करण जी होस्ट करें बिग बॉस, क्या बोलना चाहेंगे? वाओ वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा। मैडम आप जाने वाले हैं, कितना मिस करेंगे आप? मैं तो उन्हें बहुत मिस करती हूँ। आप जाने वाले हैं? दादा चोट लग जाएगी आपको, दादा जाती हूँ, वापस जाएंगे आप बिग बॉस में? मौका मिला तो बुलाएंगे, तो जरूर जाएंगे। बाय दादा, आपका गाना आ रहा है बिग बॉस OTT पे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। करण जो होस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होस्ट करण जोहर जी कर रहे हैं, हमको तो सलमान भाई चलते हैं। बिग बॉस की बात चल रही चल रही या आप लेके आए? कब करी? आपने लेके आए ना बात को? अरे कैन वी डू, कैन वी डू दिस लेटर है देयर कॉलिंग अस, OTT पे आ रहा है उसके बारे में क्या कहना? सो वी कमेंट टू दैट, आके बोलो, बोलो तुम बोलो। अरे मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है बिग बॉस के लिए, बिकॉज़ OTT पे पहले आई थिंक
कुछ ड्यूरेशन के लिए आएगा, फिर उसमें जो शक्ल पे एक्साइटमेंट दिखा अभी क्या कुछ लूं मैं, लाइक व्हाट डू यू वांट मी टू डू डांस, नो बट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज़ 6 वीक्स इज गोना बी ऑन वूट ना एंड देन इट्स गोना कम ऑन टू द टीवी, तो उसमें ब्रो देयर आर गोना बी टास्क्स एंड ऑल, दैट्स व्हाट आई हर्ड, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हर साल की तरह यू नो द टीम हैज डन समथिंग क्रिएटिव आई फील अगेन दिस ईयर, सो दैट्स अमेजिंग यार। यार आई थिंक करण जौहर इज नोन फॉर ओवर द टॉप, तो आई थिंक एकदम परफेक्ट होस्ट मिला है, बिकॉज राइट फ्रॉम उनके कपड़े टू उनके कोट्स टू उनके क्वेश्चंस जो वो लोगों से पूछते हैं वो ओवर द टॉप होते हैं, तो आई थिंक ही इज द परफेक्ट होस्ट फॉर OTT। थैंक यू कश्मीरा मैम, अभी बिग बॉस है जो OTT पे आ रहा है, तो मैम क्या कुछ कहना चाहो? बहुत गालियां होने वाले हैं, बैंड बजाने वाले सब सबके, और हम यहाँ बैठ के ट्विटर पे बैंड बजाएंगे। आप बोलते हैं इस बार करण सर करे, क्या बोल रहे? अरे आई लव करण सर, तो आई एम वेटिंग। अरे मजा आएगा करण सर के, तो उनका वो इम्प्रॉम्प्टू और वो जो मस्ती करेंगे ना सब लोगों के साथ, मस्ती इज ओवर द टॉप ना, 6 महीना चलने वाला है ये। हाँ, और OTT पे है तो गालियों के साथ आपको और भी मजा मिलेगा। हम भी बहुत गालियां यहाँ से, है ना, इधर तो क्या होता है TT करके उसको लोगों को पता है बीप कर देते हैं, तो बीप में ना लोग पकड़ लेते हैं कि ये बहन की गाली थी, कौन सी गाली थी, चाचा को गाली दी है, ताया को गाली दी है, माँ की गाली दी, पता चल जाता है। लेकिन अभी क्या खुली खुली गाली आपको OTT पे सुनने मिलेगी, और यानी मैं अगर दे तो मैं गाली दे सकता हूं, और अभी आपको मेरे ख्याल से बिग बॉस कंट्रोवर्सी हो जाएगा, कंट्रोवर्सी नहीं, अभी आपको मजा भी आएगा। आई थिंक वो लोग अभी कभी भी रात को वो सोते थे और फिर उसके बाद सुबह दिखाते थे, तो आई थिंक अभी नाइट वर्जन भी देखेंगे, इट्स गोना बी मोर फन, मुझे ऐसा लगता है OTT पे अगर नाइट वर्जन भी होंगे ना मेरे ख्याल से। आप जाएंगे कि नहीं? मैं कभी नहीं जाए, मैं जाऊंगा स्टेज पे, मैं जाता हूँ स्टेज पे जाता हूँ और छोड़ने के लिए इनको, या लास्ट टाइम आरती को छोड़ने गया था, फिर ये लास्ट टाइम ये फिर से गई थी तो फिर इनको छोड़ने गया था, तो मैं मेरा मजा मजा आता है भाई के साथ मुझे, एक्चुअली सलमान भाई के साथ स्टेज पे मैं हमेशा, कितने साल गया, 7-8 साल, मैं जब बचाव करते थे हम तब से मैं और भारती तो जा ही रहे। इसने मुझे बोला था कुछ तोड़ फोड़ मत करना वगैरह, तो मैंने सुना था, मैं नेक्स्ट टाइम सुनूंगी नहीं, तोड़ फोड़ नहीं आऊंगी, नो कमेंट। पर इस बार सलमान सर नहीं रहेंगे, कितना करण सर है, कितना नहीं नहीं, सलमान सर को शो करना चाहिए वो जो टीवी पे आने वाले हैं, OTT करण सर वो तो पता नहीं, आई थिंक चैनल और उनका क्या है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि कोई बायस्ड या फिर बहुत पॉलिटिकल हो रहा हूँ, लेकिन करण सर का अपनी अपना स्टाइल है, सलमान भाई डेफिनेटली मतलब टेलीविजन पे तो बिग बॉस मीन सलमान भाई, तो भाई के साथ तो मजा ही आता है। हाँ हो सकता है, या इट विल बी फन, करण सर डेफिनेटली। तो आप दोनों गेस्ट के तो जाएंगे क्या? मैं तो कॉन्टेस्ट में बन के जाऊंगी, मुझे बैंड बजाएगा नहीं, मेरे को ना डर लगता है, आई लव बिग बॉस, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे पसंद नहीं, कोई बहुत बहुत बढ़िया शो है, मैं हमेशा देखता हूँ, लेकिन मुझे घबराहट होती है कि वो 4 महीना में अंदर कैसे रहूंगा यार, मेरे को डर लगता है बहुत, मैं तो मतलब मैं इतना सीधा साधा आदमी, ऐसा सीधा साधा लोग ही अंदर गड़बड़ करते हैं ना, बिल्कुल, इसलिए मुझे डर लगता है जाने से, कैसा ना हो कुछ गड़बड़ कर दूं मैं, मुझे पता नहीं है। सजेशन ले सकते ना मैम से और आरती मैम से, तो इनसे सजेशन लेके मारना थोड़ी अंदर तो इनसे सजेशन नहीं लेता, बिग बॉस का तो बिल्कुल नहीं है, बोले कि पकड़ ले गला उसका कुछ भी हाँ नहीं बट ये भी राइट के लिए वेरी गुड, आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम ऑलवेज अ करण जौहर फैन एंड आई एम वेटिंग हाउ इज ही गोना डू इट, इट विल बी सो एक्साइटेड ना यार, लोग बिग बॉस खत्म होता था तो सबको दुख होता था, अभी 6 महीना देखो बिग बॉस, हीना जी आई सीरियसली फील फॉर द कंटेस्टेंट, माय हार्ट गोज आउट फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स, 6 मंथ्स, थैंक यू गाइस। शार्दुल भाई, आप दोनों से एक सवाल है, अभी जो बिग बॉस सीजन आने वाला है उसमें करण जौहर सर होस्ट करने वाले हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत मजा आता है उनको देख के, बहुत विटी हैं, बहुत अप्रोच है उनका मास तक, तभी वो बार बार टीवी पे आते हैं, वैसे लोग गलत तरीके से जो भी सोचते हो, बहुत ही एक अलग मजा देखने, बहुत मस्करी दिखने वाली है मुझे ऐसा लगता है, मुझे एग्जैक्टली यही लगता है, बिकॉज यू नो OTT मतलब ओवर द टॉप अगर कोई है तो वो करण जौहर ही निकाल सकते हैं वो कंटेस्टेंट से, वो सारी बात है, बिकॉज अगर वो रणबीर, दीपिका, आलिया के मुंह से जब बहुत ऐसे सवाल निकाल लेते जिसको आप यू नो सालों साल ट्रेंड्स चलते हैं हैशटैग के, तो इमेजिन वो इस साल बिग बॉस में लोगों से क्या क्या निकलवा लेंगे।
मुझे एक और भी चीज लगती है करण जौहर के बारे में सबसे अच्छी कि लोग बोलते हैं वैसे बहुत क्लासी और ये अपर क्लासी है, लेकिन उनकी रीच जो है ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, हम जैसे लोग बहुत रूट तक है। दैट्स व्हाई वो हर मतलब बहुत सारे शो के जजेस रह चुके हैं। किशन भाई थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू भाई। बिग बॉस आ रहा है, उसके बारे में राखी जी थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है इधर आओ, आप भी घूम जाओ, बस थोड़ा जोर से आप पंडित जी हैं। अभी बिग बॉस आ रहा है ओटीटी पे, बिग बॉस 15, ठीक है। करण जौहर जी पहली बार एंकरिंग कर रहे हैं, इससे पहले करण जौहर जी ने बहुत अच्छा शो किया कॉफी विद करण। अभी हमारे बिग बॉस तो सलमान खान है, ठीक है। अभी करण जौहर जी का शो आ रहा है ओटीटी पे, 1.5 महीना चलेगा। आपको क्या लगता है कि जनता को कितना पसंद आएगा पंडित जी? मेरा हाथ देखिए बताओ क्या, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ क्या बोले, कितना पसंद आएगा जनता को? पसंद आएगा, अच्छा। तो आप मुझे बताओ, जो करण जौहर जो अपने बहुत अच्छा अलग अलग वो कपड़े पहनते हैं पंडित जी, कैसे पूरा एकदम हीरो लगते हैं ना, तो उनको क्या टोटका करना चाहिए कि जब वो शो पे जाए एंकरिंग करें तो नींबू मिर्ची लेके जाना चाहिए, समोसा लेके जाना चाहिए, कॉफी लेके जाना चाहिए, चाय लेके जाना चाहिए, डंडा लेके जाना चाहिए, हॉकी लेके जाना चाहिए, के कपड़े बदलने चाहिए? आकर्षण है, आकर्षण है, करण भाई आपका ये बिग बॉस शो हिट है, पंडित जी ने बोल दिया मतलब बोल दिया। आप बिग बॉस में जाएंगे सबका भविष्य के लिए? जाऊंगा। जाओगे? जाओगे। अच्छा मेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य क्या है? उच्च है। तो एक बात बताओ, क्या बिग बॉस 15 में फेमस हो गया? हाँ, और भी। तो ये बताइए पंडित जी, क्या बिग बॉस 15 में मैं जाऊंगी? जाऊंगी, पंद्रह में। अच्छा ये बताइए, मेरा पति कनाडा में है रितेश, शादी करके एक दिन वो इधर थे, फिर वो भाग गए, भागे मतलब चले गए, तो क्या वो कभी आएंगे? मैं तो चाहती हूँ कि बिग बॉस में वो और मैं बिग बॉस 15 में जाए, और फिर सलमान जी और बिग बॉस उनकी वाट लगाए, ठीक है।